नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। या आज हम बात करने वाले हैं बड़े कमाल के टॉपिक के बारे में। एक बड़ा ही मज़ेदार फ़ोन आया। इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ इसी फ़ोन में हमें पहली बार देखने को मिली हैं, तो बात करेंगे इस सारी चीज़ों के बारे में बड़े ही आराम से। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आने वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। तो बात करते हैं वीडियो गेम के बारे में। वीडियो गेम स्टार्टिंग में जब आया तब हमारे पास हुआ करता था एक, वो टू 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 बोलने वाला एक इतना बड़ा सा आता था वो वीडियो गेम। उसके बाद में जो है हम टीवी के अंदर भी गेम आ गए थे, कुछ स्मार्टफोन आ गए थे। नोकिया 1110 वाला सैंपल आपने ज़रूर खेला होगा, नोकिया 1100 में क्या स्नेक X2 कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा नाम था वैसे। हालांकि गेम के अंदर वीडियो गेम के मामले में मेरी ज़्यादा कोई रुचि रही नहीं है, लेकिन फिर भी सांप वाला गेम तो सबका खेला हुआ है। उसके बाद में जो है हमें टीवी के अंदर गेम आने लगे, फिर बाद में गेम स्टेशन आने लगे, PS1 PS2 गेम के ऐसे गेम पार्लर हुआ करते थे, उनमें जाके गेम खेलते थे पैसे डाल डाल के। अभी क्या है कि इन सारी चीज़ों को समेट के और कर दिया आपके हाथ में फ़ोन में टोटल सारी चीज़ें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे गेमिंग फ़ोन के बारे में, ROG 2। इस गेमिंग फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसके साथ आपको बहुत सारी एसेसरी देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात, जितना पैसा उतनी एसेसरी आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस फ़ोन की जो प्राइस है वो प्राइस इतने कम प्राइस के अंदर मिल रहा है भैया, आईफोन से कम में, और आईफोन से ये कम नहीं है किसी भी हाल में। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन के माइक के बारे में। माइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, कनेक्शन बनाता है। तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाते हैं 4 माइक, 1 2 3 4, चार चार माइक इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको इस फ़ोन के अंदर ऊपर मिल जाते हैं 2 एयर ट्रिगर, जो आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो आपको ऐसे काम में ले सकते हैं, आप उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, समझ लेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 2 USB-C पोर्ट। किन्हीं फ़ोनों के अंदर एक एक नहीं मिलता, इस फ़ोन के अंदर 2 USB-C पोर्ट मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो है ड्यूअल नैनो सिम कार्ड का जो ऑप्शन वो मिल जाता है इसके अंदर, और हमें मिल जाते हैं 4 Wi-Fi एंटीना। मतलब कि आपका फ़ोन जो है उसके अंदर कोई भी लैक नहीं आने वाला कनेक्टिविटी को लेके। 4 4 Wi-Fi एंटीना इस फ़ोन के अंदर दिए गए, 2 4 और घुसेड़ देते हैं। इसके अलावा यदि बात करें इस फ़ोन के अंदर, तो हमें इस फ़ोन के जो कैमरा की यदि बात करें तो रियर के अंदर हमें जो है ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। बस कैमरा में थोड़ी सी तंगी कर ली, वाईफाई एंटीना और माइक बहुत दे दी, लेकिन कैमरा दो ही दिए। इसके अंदर जो है सोनी का 48 मेगापिक्सल जो है कैमरा सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, प्राइमरी कैमरा सेंसर, और इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा सेंसर मिल जाता है। और कैमरा के अंदर जो बहुत बहुत सारे मॉडल दिए। यदि बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसका फ्रंट कैमरा हमें मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा इसके अंदर मिल जाता है सिंगल। इसके अंदर 2 कैमरा दिए गए हैं, लेकिन LED फ्लैश लाइट भी 2 ही दी गई है, हर एक कैमरा की अलग अलग, बंटवारे का कोई झंझट ही नहीं, काफ़ी बकवास होगी। तो और बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इसका हाईलाइट आता है वो है इस फ़ोन की स्क्रीन, और इस ये दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर हमें स्क्रीन मिलती है 6.59 इंच की डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है विद 120Hz जो है रिफ्रेश रेट के साथ जो है हमें इसकी स्क्रीन मिल पाती है। मतलब ये ऐसे मक्खन के जैसे चला जाता है। इसके अलावा यदि बात करें इस फ़ोन के अंदर, तो हमें जो है स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर मिल जाता है। ये भी दुनिया का पहला फ़ोन है जो इस प्रोसेसर के साथ है, यानी प्रोसेसर के अंदर कोई लैक नहीं। सबसे लेटेस्ट से भी लेटेस्ट से भी लेटेस्ट से भी लेटेस्ट से भी लेटेस्ट है ये प्रोसेसर। और इसकी बात करें थोड़ा सा स्टोरेज के बारे में, तो इसके अंदर हमें मिल जाती है 512 GB का स्टोरेज, हालांकि मेरे लैपटॉप की 160 GB है। रैम की यदि बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाती है 12 GB की रैम, 1 2 3 4 मेरे 4 लैपटॉप के मिला के 12 GB है, 5 लैपटॉप के मिला के 12 GB रैम बनती है। तो इसके अंदर हमें जो है 12 GB रैम मिल जाती है। इसके बाद यदि बात करें तो हेडफोन जैक तो इस फ़ोन के अंदर ही है, और इस फ़ोन के अंदर हमें मिल जाती है एक बड़ी सी बैटरी जो कि 6000 mAh की इस फ़ोन के अंदर हमें बैटरी मिल जाती है। इसी के साथ यदि बात करें तो इसके अंदर जो है हमें फेस अनलॉक
का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपके थोबड़े से आपका फ़ोन खुल जाएगा। साथ में यदि थोबड़े से आप खोलना नहीं चाहते, आपका थोबड़ा फ़ोन को पसंद नहीं आ रहा, तो इसके अंदर जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें हम इस फ़ोन के बारे में, तो बस के साथ तो यही है, इसके पीछे LED वगैरह कुछ लिक्विड कूलिंग फलाना जिमकाना कूलिंग बहुत सारी। और यदि बात करें एसेसरी की, तो इस फ़ोन के साथ आपको मिल जाता है एक तो 30 वोल्ट का जो है फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, और USB C2C आपको एक केबल मिल जाती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो इस फ़ोन के साथ आता है कूलर, घर वाला नहीं फ़ोन वाला कूलर, जो इस फ़ोन को जो ठंडा रखने में मदद करेगा। परफॉर्मेंस के मामले में इस फ़ोन का कोई जवाब नहीं है, बड़ा ही कमाल का तहलका मचाने वाला फ़ोन है। आईफोन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, आईफोन एक प्रीमियम फ़ोन है और ये एक गेमिंग फ़ोन है, लेकिन हाँ आपको बता दें कि जो लोग गेमिंग के लिए ऐसे फ़ोन खरीदते हैं ना, वो आपके मेरे जैसे टाइम पास करने के लिए पबजी नहीं खेलते, वो प्रोफेशनल गेमर होते हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो गेम से पैसा कमाते हैं। अब ये वीडियो देख के आप जो है मेरे को कमेंट में मत लिख देना कि आपने 4 घंटे पबजी खेला धाड़ी दो गई, ऐसा कुछ ही नहीं है, लेकिन आपको गेमिंग से भी जो है पैसा मिलता है। YouTube पे सर्च कीजिए, गूगल पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और आप आपकी रुचि का गेम खेल के, रुचि का नहीं वीडियो गेम खेल के आप जो है पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें इस फ़ोन के साथ, तो हमें मिल जाती है ढेर सारी और एसेसरीज हमें मिल जाती है। आप इस फ़ोन की डिस्प्ले को अपनी टीवी स्क्रीन पे, बड़ी सारी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे पबजी आप खेल सकते हैं। इसके साथ में आपको जो है जॉयस्टिक वगैरह, गेम पैड, काफ़ी सारी एसेसरी मिल जाती है। इसका कवर जो वो भी काफ़ी डिजाइन का कवर आता है जो इसके केस के साथ आता है। और भैया इसकी यदि आप सारी एसेसरी लेके चलोगे, तो आपको एक सूटकेस भर के एसेसरी तो लेके जानी ही पड़ेगी। इसके साथ आपको मिल जाता है एक और बड़ी कमाल की एसेसरी मिल जाती है, इसका जो है क्या बोलेंगे उसे, ट्विन व्यू डॉक आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर मतलब कि आपके फ़ोन की दो डिस्प्ले, नीचे भी स्क्रीन ऊपर भी स्क्रीन, नीचे भी स्क्रीन ऊपर भी स्क्रीन, दो स्क्रीन, जो कि उसको आपको ट्विन व्यू डॉक की जो है 5000 mAh की बैटरी अलग से दी गई, मतलब कि बैटरी का कोई झंझट ही नहीं, पूरा एक चलता फिरता ट्रांसफॉर्मर आप साथ लेते घूम रहे। कोई भी आपको मतलब कि इस फ़ोन के अंदर कोई कमी मेरे को लगी, तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, बस और कोई कमी नहीं लगी। तो ये था इस फ़ोन के बारे में, और इसके साथ आपको जो है काफ़ी सारे और भी जो है वायरलेस डिस्प्ले डॉक और भी XYZ बहुत सारे एसेसरी आपको इस फ़ोन के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो ये था फ़ोन, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। प्राइस, हाँ प्राइस तो बताई नहीं इस फ़ोन की मैंने आपको, इस फ़ोन की एसेसरी के बिना यदि प्राइस का अनुमान लगाया जाए, तो तकरीबन 74-75 हज़ार रुपये के आसपास आता है, जो कि आईफोन एक्स से अच्छा है। इतनी सारा मतलब फ़ोन भी दिखने में प्रीमियम तो नहीं कहा जा सकता, हाँ लेकिन गेमिंग फ़ोन, बड़े ही कमाल का गेमिंग फ़ोन है, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं एज ए नॉर्मल फ़ोन। ये था इस फ़ोन के बारे में, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और हमें आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। हिम्मत, बस इतना ही था, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, हाँ हो सके तो कुछ ज़रूरी कर दीजिएगा शेयर करने का, कि पैसा वैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो को शेयर कीजिए, और क्या, इतना ही, धन्यवाद।